आर्यन हुसैन, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पेट्स दीवानगी में। आज का मेरा वीडियो टॉपिक फुल कलेक्शन ऑफ अली डेयरी फार्म ग्वालबाड़ी 2022 का है। तो ये रहा एक खूबसूरत सा बैनर अली डेयरी फार्म का, ये देखिए आपका अली डेयरी फार्म का एक बहुत ही जबरदस्त बैनर है। और चलते कॉन्टैक्ट नंबर की तरफ, ये देखें ये अपने राशिद भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि यहाँ के ओनर है, ठीक है, नंबर देख लें अच्छे से। ये देखें गेट तो बंद है, अब क्या करें, खुल जा सेम ये हुआ ना बात। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अंदर का पोजीशन है अली डेयरी फार्म का। और यहाँ आपका सामने रो में 10 जानवर हैं और यहाँ आपका 11 से लेके 30 नंबर तक का जानवर का दिया हुआ है लाइनिंग। तो हम लोग एक नंबर से शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा जानवर अली डेयरी फार्म का, जो हमारे राशिद भाई का एक बहुत ही खूबसूरत सा खटाल है, वहाँ का आज मैं आपको कलेक्शन दिखाता हूँ। हर एक जानवर को आप लोग अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जानवर है। ये देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत से ये जानवर वाइट कलर का, जो कि एकदम स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन में। ये देखिए ये चितकबरा कलर का ये जानवर है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये तीसरा नंबर वाला जानवर माशाल्लाह, ये भी बहुत ही प्यारा है। और ये आपका चौथा नंबर वाला जानवर जो कि एक वाइट जानवर है, तो माशाल्लाह से ये तीसरा नंबर वाला जानवर सामने से बहुत ही भारी है। देखिए मैं आपको नंबर वाइज के हिसाब से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, बाकी बाद में जानवर तो निकलेगा बाहर। ये देखें ये जानवर देखें फ्रेंड्स, बड़े पूट का जानवर है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जानवर है। मैंने इस जानवर को निकाला है तो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने इसका एक सिंगल वीडियो आएगा। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है। तो अभी हम लोग जानवर के फ्रंट फेस से देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग बैक के पोजिशन से देख रहे हैं। खूबसूरती देखें, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन अली डेयरी फार्म में, जो कि ग्वालबाड़ी में है, बमुनिया विलेज में। ये जानवर देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह, क्या आँख है, ज़बरदस्त और खूबसूरत सा आँख। और आप लोग देख रहे होंगे कि बड़े बुट के वाइट कलेक्शंस कितने सारे हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है बढ़कर अपना वीडियो करवा रही है, बहुत खूबसूरत सी गाय है। और ये देखें फ्रेंड्स, एक बहुत ही तगड़ा जानवर, ये एकदम कुशादा सीना, बहुत ही मजबूत जानवर है। इससे मैंने बाहर निकाला है और इसने बहुत ही उद्यम किया है, तो मैं आपको उद्यम वाला वीडियो बाद में दिखाऊंगा। इसको गुलाई देखने पीछे से, बहुत ही खूबसूरत कलर का ये जानवर है, एकदम ब्राउन शाइनिंग ब्राउन में है चेहरा, देखिए इस जानवर में बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है। ये देखिए एकदम बड़े फेस का जानवर है फ्रेंड्स, इसमें चमक देगी। तो ये वाली गाय तो बढ़-बढ़ कर वीडियो कराना चाह रही है, हूँ मैं यहीं पे हूँ मैं। ये देखें फ्रेंड्स गुलाई देखें इसके पीछे भी, एक बहुत ही खूबसूरत सी गाय है, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन बच्चे हैं हमारे राशिद भाई अपने खटाल में। एक गुलाई देखी जानवरों की और खूबसूरती देखें, एकदम मिल्की वाइट जानवर है। आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हैं, और भी कलेक्शन दिखाना है आपको। ये देखें अब पीछे की तरफ से जानवरों को देखें, देखें बड़े पूट के जानवर जो मैंने आप लोगों को दिखाया, इसे देख लें पहले खूबसूरती को थोड़ा सा सामने। ये देखें फ्रेंड्स, ये वाला जानवर जो आप लोगों को मैंने बड़े पूट के जानवर को दिखाया है, आप सबकी बुलाई देखें कितनी बेहतरीन है। तो मुझे भरोसा है और ये उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद राशिद भाई के पास बहुत सारे कस्टमर्स पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। तो आप लोग यहाँ आएँ और अपने जानवर को यहाँ सफाई करें, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे वाइट के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं। ये देखो फ्रेंड्स माशाल्लाह, और ये एक बड़े बूट का जानवर है, क्या खूबसूरत गाय है, एकदम खड़े बूट का जानवर है। ये देखिए बड़ा पूट है लेकिन एकदम स्ट्रेट है पूट, सब बेहतरीन जानवर है, सब अपने आप बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन। ये देखिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सी गाय है, हल्का क्रॉस ब्रीड कैंकरेज लग रही थी देखने में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये भी देखिए, ये भी एक बहुत ही उम्दा जानवर है। तो चलते हैं लाइन नंबर 2 की तरफ में, जो कि 11वां नंबर से शुरू होगा। ये देखिए
ये रहा आपका 11 नंबर वाला जानवर, और ये रहा आपका खूबसूरत सा 12 नंबर वाला जानवर, और ये बहुत ही बेहतरीन कलर, ये देखें ब्लैक में छीटे हैं कलर के। माशाल्लाह से ये 13वां नंबर वाला जानवर है, कूट देखें क्या बड़ा कूट है, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त जानवर है फ्रेंड्स, बड़े कूट का यहाँ पे भी जानवर है, बहुत ही बेहतरीन। और इसे देखें, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ कलेक्शन दिखा रहा हूँ अली डेयरी फार्म का। यहाँ पे भी देखें क्रॉस ब्रीड कैंकरेज है, ये देखिए ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त जानवर है। तो शौकीन हजरात जो कैंकरेज के दीवाने हैं, यहाँ पे आपको एक कैंकरेज भी मिल जाएगा। अच्छी गुलाई का ये जानवर है, चेहरा देख लें इस जानवर का, बहुत ही प्यारा जानवर फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो बड़े फुट का खूबसूरत सा वाइट कलर का जानवर, तो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है यहाँ पे। ये देखिए ये भी एक जानवर बहुत ही ज़बरदस्त है। हम लोगों ने जितने भी वाइट के अभी तक जानवर देखे हैं, कोई भी नॉर्मल जानवर नहीं है, सब बहुत ही बेहतरीन जानवर है यहाँ। ये देखें, देखते जाए जानवर इत्मीनान और सुकून के साथ देखें, स्किप करके हड़बड़ा हड़बड़ा के भागने के चक्कर में आप लोग अपना चॉइस का जानवर छोड़ देंगे, इसलिए आराम से देखें। सिर्फ 14 मिनट का वीडियो है, इत्मीनान के साथ देखें, पूरा कलेक्शन आप लोग देखें। ये देखें हर एक जानवर वाइट का खूबसूरत बेहतरीन कलेक्शन हमारे राशिद भाई के खटाल का, क्योंकि अली डेयरी फार्म है, वहाँ से ये बेहतरीन जानवरों को मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हर एक जानवर बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा जानवर है, बहुत ही उम्दा जानवर है। ये देखिए, ये गारंटी है कि ये जानवर निकलने ही वाला है, जो देख लेगा इस जानवर को वो ले ही लेगा। ये भी जानवर माशाल्लाह भाई, हर एक जानवर में अपनी खूबसूरती है। और यहाँ पे देखें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुंडी, बड़े झालर का, एकदम हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके के जानवर रहते हैं उस तरीके के जानवर हैं यहाँ पे, वो भी एक नहीं दो खूबसूरत से मुंडी। और यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये भी जानवर बहुत ही बेहतरीन है। तो अब हम लोग चलेंगे पीछे की तरफ से, हर एक जानवर को देख लेंगे कैसे कैसे जानवर हैं यहाँ पर। फ्रंट वेज तो हम लोगों ने देख लिया है, पीछे से इन जानवरों की गुलाई में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मुझे थोड़ा दुश्वारी हो रही है अंदर जाने में, क्योंकि डर है कि जानवर रात ना चलाए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए अंदर जा रहा हूँ। ये देखें बेहतरीन गुलाई, थोड़ा सा लाइट का यहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको मैनेज किया है बहुत हद तक आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को देखने में किस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाला जानवर एकदम चौड़े हड्डी का जानवर है, जानवर बहुत ही अच्छा जानवर बनेगा, ये बनने वाला जानवर, ये खूबसूरत सी गाय है। और यहाँ पे देखिए दो खूबसूरत बहुत ही उम्दा जानवर अली डेयरी फार्म का। तो शौकीन हजरात आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मुंडी में ढूंढ कर निकाला हूँ अली डेयरी फार्म से, जो कि राशिद भाई का। इससे पहले किसी और की नज़र पड़ जाए, आप लोग इस जानवर की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। चौड़ाई देखें जानवर की, गोलाई देखें, देखते हैं ये खूबसूरत सा मुंडी कौन बाई करता है 2022 में। इतना तो गारंटी है कि इस वीडियो को देखकर, ये पार्ट के वीडियो को देखकर बहुत सारे कस्टमर्स का दिल मचल जाएगा, और 100% राशिद भाई आपके पास फोन आने वाला है। ये देखें फ्रेंड्स, ये भी एक चौड़े हड्डी का जानवर है, और ये जो मैं कह रहा था कि एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत सा जानवर, फेस देखें इस जानवर का, गुलाई देखें इस जानवर की, एक खूबसूरत सी गाय है अली डेयरी फार्म की, बहुत ही बेहतरीन जानवर। इनका घुरे तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ इस खूबसूरती, लेकिन ये नया चेहरा देख कर हम लोगों को डर रही है, कोई बात नहीं। ये देखें फ्रेंड्स, कट देखें जानवर, बेहतरीन जानवर। यहाँ पे भी एक जानवर है, ये भी चौड़े हड्डी का जानवर है, लेकिन अभी थोड़ा सा ढीला ढाला है, लेकिन जल्द ही ये भी तैयार हो जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, इस लाइन में
जो जो दूध के जानवर रहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा दूध के जानवर हैं, लेकिन कुछ अगर दूध के जानवर हैं तो वो आपको राशि पर बता देंगे कौन कौन से जानवर सेल के लिए नहीं है। बाकी इतना है कि इस लाइन में आपका 95% जानवर सेल के लिए, अब हो सकता है कि 100% भी हो, तो वो चीज़ आपको राशिद भाई बताएंगे, ठीक है। वाइट के बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन, देखते जाएं फ्रेंड्स। अब हम लोग पीछे की तरफ से जानवरों को कवर करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलेक्शन अली डायरी फार्म का, इत्मीनान और सुकून के साथ देखें फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि नए नए जानवरों का वीडियो लेकर आइए, मैं आप लोगों के लिए नया जानवर का वीडियो लेकर आया हूँ, तो इत्मीनान से देखें, कोई हड़बड़ी नहीं है ना आपको ना हमको, देखिए आराम से, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि इस वीडियो में देख के जानवर पसंद आ जाए। आपके आसानी के लिए मैंने ओनर का नंबर भी दे रखा है, जो जानवर पसंद आए वीडियो के हिसाब से वीडियो सेंड करके बता दें, जो पार्ट का जानवर है उसको उस पार्ट को कट का ऑप्शन आया है अभी यूट्यूब में, उस पार्ट को कट करके आप लोग दे दें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कट करके कॉपी करके उसे यूट्यूब में ना छोड़ें, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक 100% आने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, बेहतरीन जानवर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से ये जानवर आपका, बड़े बड़े कदुकामत के जानवर हैं, बड़े पूत के जानवर हैं, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक चितकबरा टाइप का जानवर है, ये भी बहुत ही बेहतरीन है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लॉट। ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट का बहुत ही खूबसूरत सा जानवर, तो बस जानवर देखते चले। और ये देखिए, एक छोटा सा सिंह का जानवर है ये वाइट वाला, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। और इसके बाद ये वाला जानवर जिसे मैं कह रहा था कि आपका क्रॉस ब्रीड कैंकरेज है, ये देखिए तो बहुत ही खूबसूरत सा कैंकरेज, तो जिन भाइयों को भी ये वाला कैंकरेज चाहिए आपका, ओनर से बात कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा बड़े कदुकामत का ढीली चमड़ी का जानवर है, माशाल्लाह से ये भरेगा, तो हम लोग कैंकरेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत सी कैंकरेज की गाय है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर हो सकता है कि ये ओरिजिनल कैंकरेज हो, तो वो आपको बेहतर राशिद भाई बताएंगे। मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दिया भाई, गलती हो जाता है इंसानों से। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह से खूबसूरत सा कैंकरेज जो कि आपका राशिद भाई के गार्डन फार्म्स में दिखा रहा हूँ, तो ये एक बड़े कदुकामत का एक खूबसूरत सा जानवर, और ये वाला आपका चितकबरा वाला जानवर, और ये बड़ा सा वाइट का जानवर, और ये एक बहुत ही उम्दा जानवर है आपका। तो हम लोगों ने लगभग सभी कलेक्शंस को देख लिया है इस वीडियो में, ठीक है। उस चितकबरे वाले जानवर को आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सब जानवर एक तरफ हो जा रहे हैं, मैं दिखा नहीं पाया आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अब निकालेंगे तो उसको अच्छे से दिखा देंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इसी तरीके से मेरा वीडियो आप लोगों के सामने आता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, अस्सलाम वालेकुम।